नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि IBACIO 2023 या IBMTS 2023 या CSIR SOSO 2023 या DSSB JJSPA PA की जो वैकेंसी आपकी निकली है उसके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ओरिजिनल जो ITI की कॉपी है वो दिखाने वाला हूँ और इस कॉपी में स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले ऐसे में वो 25 आउट ऑफ 50 मिले। तो इतना कम स्कोर क्यों मिला, इसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और मोस्टली जो एस्पिरेंट हैं वो ये गलती करते हैं जिसकी वजह से उन्हें कम मार्क्स मिलते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा इस पॉइंट पे भी बात करेंगे कि आपको वहाँ पे किस तरीके की कॉपी मिले, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको एक हिंट मिल जाएगी। और आपको जब आपको डिस्क्रिप्टिव आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको जो पहला पेज है जो यानी कि कॉपी का फ्रंट है उसमें जितनी भी डिटेल है उनको बहुत अच्छे तरीके से भरने की ज़रूरत है, क्योंकि एक भी चीज़ अगर आपने मिस की तो कहीं ना कहीं आपको जीरो मार्क्स मिलेंगे, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो एसे का टॉपिक है इस कॉपी में वो ये है कि जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज द ओनली आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम। तो इस टॉपिक पे इस एस्पिरेंट ने किस तरीके से लिखा, क्या इसे लिखना चाहिए था, कहाँ कहाँ पे इसने गलतियाँ की, वो सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप IBACIO 2023, CSIR SOSO 2023 या DSSB JJSPA PA 2024 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, तो ये हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उसके अलावा जितना भी कंटेंट है, सिलेक्टेड जो कंटेंट है, चाहे वो ऐसे हो, लेटर हो, प्रिसाइज राइटिंग हो, सब कुछ आपको मिलेगा। उसके अलावा ये जो कोर्स है इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे हम टिल एग्ज़ाम आपकी कॉपी चेक करेंगे। इस कोर्स की फीस केवल 449 रुपीज़ है, तो आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन पे जाना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सेम IB जो बच्चे IBMTS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है उसकी फीस 299 रुपीज़ है। यहाँ पर भी आपको सारा कंटेंट मिलेगा, प्लस यहाँ पे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उसके अलावा टिल एग्ज़ाम आपकी कॉपी चेक होगी। ठीक है, तो इसका भी लिंक सेम वही प्रोसेस से आप इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ये IT की कॉपी देख पा रहे होंगे, आपको जो कॉपी मिलेगी उसका जो फ्रंट पेज होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे जो रोल नंबर है वो आपको डालना होगा और जो फ्रंट पेज है उसको बहुत अच्छे तरीके से भरने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक भी डिटेल आपने मिस की तो आपको जीरो नंबर मिलेंगे, यानी कि आपकी कॉपी जो है वो चेक नहीं होगी। तो रोल नंबर जो है जहाँ पे रोल नंबर का कॉलम दिया हुआ है वहाँ पे रोल नंबर अच्छे तरीके से डालना है, जहाँ पे सिग्नेचर का कॉलम दिया हुआ है वहाँ पे अच्छे तरीके से आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है। उसके अलावा जैसे जो CSIR वाले बच्चे हैं और जो DSSB वाले बच्चे हैं उनका आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो यहाँ पे आपको मीडियम भी अपना चूज़ करना पड़ेगा। बाकी IB वाले जो बच्चे हैं उनका इंग्लिश में ही होगा, तो जहाँ पे जैसे CSIR वाले बच्चे जो हैं और DSSB वाले जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे जैसे इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो इंग्लिश पर टिक करना होगा, हिंदी में लिखना है तो हिंदी पर टिक करना होगा। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी यहाँ पे श्योर कर लो कि आपका जो इनविजिलेटर है उसने आपके साइन जो है आपकी कॉपी पे किए हैं नहीं किए। उसके अलावा जो आपको अटेंडेंस शीट मिलेगी उस पे उसने साइन किए या नहीं किए, ये सब चीज़ें आपको जरूर चेक करनी, क्योंकि अटेंडेंस शीट पे अगर आप साइन नहीं करोगे तो फिर आप अब्सेंट माने जाओगे और आप चाहे कितना बेहतर लिख दो आपकी कॉपी लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, ये फ्रंट पेज इस तरीके का होगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं कि इस बच्चे ने किस तरीके से लिखा। तो जो टॉपिक है वो आपका क्या है, जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तो इसने लिखना स्टार्ट किया कि भारत जिस फक्र के साथ खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहता है, वहीं तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या इस देश के लिए कलंक बन चुकी है। अगर हम अपने देश के इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि आज़ादी के समय से लेकर अब तक जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। बहुत पहले जब इतनी अधिक आबादी नहीं थी तो जनसंख्या के आंकड़े भी नहीं होते थे, लेकिन समय बढ़ता गया, जनसंख्या के भयावह विस्तार ने जनसंख्या और साधन के बीच संतुलन जनगणना कराने की नौबत आई। फलस्वरूप लाड़मेयों ने 18वीं शताब्दी के अंत में सर्वप्रथम जनगणना करवाया। इसके बाद लॉर्ड रिपन द्वारा पुनः नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर
की जाने वाली जनगणना की शुरुआत की आज़ादी के समय हमारे देश की जनसंख्या कम थी, अतः हमारे संसाधन पर्याप्त थे, लेकिन हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पूरे विश्व में जनसंख्या विस्फोटक देशों में चीन के बाद दूसरे नंबर पर हमारी गिनती की जाती है, जो हमारे देश के विकास पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अत्यधिक जनसंख्या होने की वजह से ही आज हर जगह संघर्ष बढ़ गया है, चाहे हम भोजन आवास की बात करें या फिर जीविकोपार्जन। आज महानगरों में इतनी अधिक आबादी के बढ़ने के कारण ही लोग अपार्टमेंट में एक ही प्लाट में सैकड़ों लोग रहने को मजबूर हैं। सरकारी नौकरी में इतनी भयावह प्रतिस्पर्धा इस जनसंख्या के कारण ही है, ठीक है। उसके अलावा आगे इन्होंने लिखा है कि सरकार को हम दो हमारे दो के इस नारे को सख्ती से लागू करना चाहिए, लागू कर ही इससे मुक्ति पाई जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हें जो मार्क्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, 25 out of 50। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, इन्हें इतने कम मार्क्स क्यों मिले, क्योंकि ये टू द पॉइंट रहे नहीं। इन्होंने बातें तमाम की लेकिन जो मेन बातें वो की नहीं। यहाँ पे जो टॉपिक आपका था वो क्या था कि जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तो जो आपको इंट्रोडक्शन करनी है, देखो हमेशा जो भी ऐसे होगा उसको तीन पार्ट में आप तोड़ोगे, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में जो बेस्ट पॉइंट है वो आप लिखोगे और इंट्रोडक्शन में ही आपका जो ऐसे उसका सार जो है वो एग्जामिनर को समझ में आ जाए। इंट्रोडक्शन को पढ़ के ही एग्जामिनर ये माइंडसेट बना लेता है कि आपको कितने नंबर देने हैं। बाकी जो मेन बॉडी है उसमें आप प्रोस एंड कॉन्स बताओगे और कंक्लूजन में अपनी राय दोगे। जैसे यहाँ पे क्या था कि जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है, तो आपका जो टॉपिक है वो जनसंख्या नियंत्रण के इर्द गिर्द है, उससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और उन समस्याओं को हम किस तरीके से, मतलब उनका क्या निदान है, कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए जिससे कि उन समस्याओं को हम काबू पा सकते हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो मैनेज की जा सकती है। तो आपको जो टॉपिक लिखना है वो इसके अराउंड लिखना है कि जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है, यानी कि जनसंख्या से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो सबसे पहले जब भी आप टॉपिक लिखो उससे पहले आपको टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब आपको टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ हो जाएगी तब आप लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि टू द पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना था, जनसंख्या के बारे में बताना था कि हमारी जनसंख्या कितनी है, ठीक है, आने वाले टाइम में हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, उसके अलावा पहली जनगणना स्टार्ट हुई वो कब स्टार्ट हुई, ठीक है, अतीत से भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 10 वर्ष के बेस पे जो जनगणना थी वो कब से स्टार्ट हुई, 5 साल के बेसिस पे जनगणना कब से स्टार्ट हुई, तो इन सब चीज़ों को बताएंगे। फिर जनसंख्या से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि जो टॉपिक है वो वही है। तो जनसंख्या से क्या है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है, अशिक्षा बढ़ रही है, ठीक है, जो गरीब और अमीर है उसके बीच की खाई बढ़ रही है, ये सब चीज़ें जो है वो जनसंख्या की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब इसे कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, लिटरेट करना पड़ेगा, सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, सख्त कठोर कानून जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप जैसे कंक्लूजन में डालोगे, जो चीज़ें मैंने आपको बताएं, तो इनसे क्या है कि एग्जामिनर समझेगा कि हाँ आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा और टू द पॉइंट लिख रहे हो। तो इनकी कॉपी से देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये टू द पॉइंट नहीं है, इन्होंने मेंशन बहुत कुछ किया लेकिन जो मेन पॉइंट थे उनको टच नहीं किया। तो आपको यहाँ से एक क्लियरिटी भी आई होगी कि क्या लिखना क्या एक्चुअल में, ठीक है। और इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे सोच रहे हैं कि एक जो क्लास है वो आपके लिए लेके आएंगे, जिससे हम आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ही काम करेंगे कि कोई एक टॉपिक ले लिया, उसमें मेन बॉडी कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है और कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत हद तक चीज़ें आप समझ पाए होंगे। बाकी टू द पॉइंट आपको लिखना है, सबसे पहले लिखने से पहले आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझो। जब टॉपिक को अच्छे तरीके से समझोगे फिर जो उसके बारे में आपको जानकारी है उसको इकट्ठा करो और फिर ये सोचो कि किस तरीके से इसे हम बेस्ट वे में जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस कॉपी से आपको बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बाकी ये हमारा डिस्क्रिप्टिव का कोर्स है, जो IBACIO वाले बच्चे हैं, CSIR वाले बच्चे हैं, DSSB वाले बच्चे हैं वो कोर्स परचेज कर सकते हैं, 449 rupees का उनका कोर्स है। बाकी जो स्पेशली IBMTS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोर्स केवल 299 rupees का है, ठीक है।
ये दोनों कोर्स एप्लीकेशन पे हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, एप्लीकेशन पे जाके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।